नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नवोदय विद्यालय पियोन एलडीसी भर्ती 2023 से संबंधित। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज और दैनिक समाचार, यह सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं समय की बड़ी खुशखबरी के साथ यह वीडियो। जी हाँ, नवोदय विद्यालय पियोन एलडीसी भर्ती कितने पदों पर होगी और इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, योग्यता क्या रखी गई है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग की ओर से कब जारी होगा, इन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, संपूर्ण जानकारी इससे संबंधित आपको दी जाने वाली है। जी दोस्तों, ले चलते हैं आगे। आपको नवोदय विद्यालय एलडीसी और पियोन वैकेंसी 2023 जो कि लगभग 23,086 पदों पर होने वाली है, तो जान लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में, बने रहे हैं। नवोदय विद्यालय में एलडीसी और पियोन के कुल 23,086 पद खाली बताए गए हैं। इन 23,086 पदों पर केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी की बात है। अब ले चलते हैं इसकी और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, बने रहे वीडियो के अंत तक, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी खाली पदों का जायजा लेने और उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर भी निर्देश दे दिया है। जी हाँ, नवोदय विद्यालय एलडीसी पियोन भर्ती 2023 की बात कर रहे हैं इसमें। अब बात कर लें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसके तहत क्या रखी जाएगी। जी हाँ, न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष इसके तहत निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो है इसके नियम, विभाग के नियमानुसार जो है इसमें एज लिमिट में छूट रहेगी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको। अब बात कर लेते हैं इनकी और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, बने रहे वीडियो के अंत तक। जी दोस्तों, नवोदय विद्यालय में पियोन और एलडीसी के 23,086 पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। और आशा करते हैं कि दोस्तों जल्दी ही इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले इस चैनल पर इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। तो यही थी इस समय की बहुत बड़ी खुशखबरी वीडियो में, नवोदय विद्यालय एलडीसी पियोन भर्ती 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज और दैनिक समाचार, इन सभी के अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।